अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इसके नाम को देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक मीन्स एटमॉस्फेयर से लिखना है। एटमॉस्फेयर मीन्स कि हमारे इर्द गिर्द जो हवा प्रेजेंट होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सब हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। तो उस एयर की वजह से, उस हवा की वजह से जो हम पे प्रेशर लगता है ना, उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके बेसिकली जो कंसेप्चुअल है वो क्या है, वो कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है, हम इस डायग्राम में देखें तो वो कहते हैं कि जो हमारे पास अर्थ है उसके इर्द गिर्द जो है ना एयर प्रेजेंट होती है। इस एयर को उसने नाम दिया हुआ है एयर कॉलम का। वो कहता है अर्थ के इर्द गिर्द ना एयर कॉलम प्रेजेंट होता है। अब अर्थ जो है, हम लोगों को पता है अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लाइक अगर हम इस मार्कर को ऊपर से नीचे ऊपर फेंको तो ये वापस अर्थ की तरफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि अर्थ के पास कैपेसिटी है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि वो फोर्स जिससे अर्थ सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। तो इसका मतलब है कि अर्थ को, एयर कॉलम को भी अर्थ अपनी तरफ खींचेगी ऑब्वियसली। तो होता कुछ यूँ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा है, अगर हम इस एयर कॉलम का इतना सा एरिया ले लें, ठीक है, इतना सा एरिया ले लें, अब इस एरिया, इस एयर का कोई वेट भी होगा। अब ये कैसे हमें पता चला कि इस एयर का वेट है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो एयर कॉलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर उसका कोई वेट ही नहीं है तो अर्थ अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट भी नहीं करेगी। अगर वो अट्रैक्ट कर रही है इसका मतलब ऑब्वियसली उसका कुछ वेट है। लाइक ये मार्कर हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आता है क्योंकि इस मार्कर का कुछ वेट है। इसलिए अर्थ जो है सिर्फ उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिनका कुछ वेट होता है। तो अर्थ एयर कॉलम को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब एयर कॉलम का भी कुछ ना कुछ वेट है। तो अगर हम इतना सा एरिया लें इस एयर कॉलम का तो इसका कुछ वेट भी होगा। तो इस वेट को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया, के पर यूनिट एरिया, एक एरिया पे जो एयर का हमारे पास वेट होगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ओके। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं बैरोमीटर। इस डिवाइस को यूज़ करके जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। सो व्हाट इज़ बैरोमीटर? द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बैरोमीटर। अब जैसे हम लोगों ने फोर्स का यूनिट पढ़ा हुआ है न्यूटन, प्रेशर का यूनिट पढ़ा हुआ है पास्कल, तो ऑब्वियसली इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी कोई यूनिट होगा। तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये इसका यूनिट होता है। अब ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर को हम डिनोट करते हैं ATM से, एटमॉस्फेयर के फर्स्ट थ्री वर्ड्स ATM। पूरी फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, और जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? ATM से। ठीक है, लाइक अगर हमारी एनवायरनमेंट का प्रेशर है 100 ATM, इस यूनिट के थ्रू जो है ना हम लोग अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एक ATM की वैल्यू क्या होती है। तो कह रहा है कि 1 ATM इज इक्वल्स टू 101300 पास्कल। ओके, ये वैल्यू है एक ATM की। पास्कल्स मीन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने ये यूनिट डिस्कस किया हुआ है। अगर हम इस ATM की वैल्यू निकालना चाहें पास्कल में, क्यों हम निकालते हैं? क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर का यूनिट पढ़ा हुआ है पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी अगर हम यूनिट पास्कल में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए हम जो है ना ATM को पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं इसके थ्रू कि 1 ATM अगर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1, तो किसके इक्वल होती है? 101300 पास्कल के। ये यूनिट वैल्यू हम लोगों ने एज इट इज़ याद करनी क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट वो कहते हैं कि ना जब हम ऊपर जाएं, लाइक अगर हमारी अर्थ है, सॉरी लेट मी रेज इट, ओके
ओके अगर वो उसके बाद वो कहता है कि लाइक हमारे पास अर्थ है और हम लोग कहाँ पर प्रेजेंट हैं, हम यहाँ पर इस एरिया पर लाई करते हैं और इस एरिया को हम कहते हैं सी लेवल, यानी कि ये वो लेवल है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं इस टाइम, ठीक है। लाइक उसके बाद आ जाती है हमारी माउंटेन्स, जब हम माउंटेन्स पे क्लाइंब करते हैं इसका मतलब हम अर्थ से ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं। तो वो कहता है कि जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं यानी कि जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे हाइट्स पे जाते हैं तब एटमोसफेरिक प्रेशर कम होता रहता है, ठीक है। मतलब कि हम ऊपर जाएंगे तो हमारे लाइक हम माउंटेन पे जाते हैं तो इसका मतलब है जो सी लेवल पे था एटमोसफेरिक प्रेशर वो ज़्यादा है और माउंटेन्स पे कम है। लाइक ये हमारे पास माउंटेन है और ये हमारा सी लेवल है, हम सी लेवल से क्लाइंब करते हुए जा रहे हैं माउंटेन की तरफ। तो अगर एटमोसफेरिक प्रेशर सी लेवल पे था 580 atm, तो अब माउंटेन पे जाते जाते ये लेवल जो है ना एटमोसफेरिक प्रेशर का लेवल और कम हो जाएगा, लाइक हम कंसीडर करते हैं कि 280 atm हो गया। अब अगर हम इस माउंटेन से भी ऊपर जाएंगे तो वो और कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 atm, फिर एट लास्ट हो जाएगा 080 atm। जब हो जाता है ना 080 atm प्रेशर तो वहाँ उस एरिया पे जाके जो चीज़ें हैं वो फ्रीली मूव करना शुरू हो जाती हैं, हवाओं में उड़ती रहती हैं, मतलब कि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता अब, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम सी लेवल से हाइट्स की तरफ जाएंगे तो एटमोसफेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होगी, कितनी कम होगी। तो उसके लिए भी उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड रख दिया है कि अगर हम सी लेवल से 5 किलोमीटर ऊपर जाएं, मतलब कि हमने सी लेवल से ऊपर की तरफ कितना ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, तो उसका प्रेशर कम होगा 55000 pascal। क्या हम लोगों ने सी लेवल से ट्रैवल कितना कर लिया, 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो प्रेशर कितना कम होगा 55000 pascal, जिसको हम कहते हैं 55000 भी, 55000 pascal जो है प्रेशर कम होगा। अब जब हम इस 5 किलोमीटर से ऊपर 5 किलोमीटर जाएंगे तो दोबारा से ही 55000 pascal मज़ीद कम होगा और एक टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली कम हो ही जा रहा है। ओके, अब वो कहता है कि हाइट्स को मेजर करने के लिए, लाइक हम लोगों ने अभी पढ़ा ना एटमोसफेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर को यूज़ करते हैं, तो इसी तरह अगर हम हाइट को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिवाइस है, उसको हम कहते हैं प्रेशर ऑल्टीमीटर। अब इसको यूज़ करके हम लोग क्या मेजर करते हैं, हाइट्स को, कि लाइक जो हमारे पास जो लोग होते हैं जिनका काम ही होता है कि उन लोगों ने हाइट्स को ट्रैवल करना होता है, मतलब कि उन्होंने ऊंचाइयों पे जाना होता है, माउंटेन्स पे हैकिंग वगैरह करनी होती है, तो वो अपने साथ जो है ना हम प्रेशर ऑल्टीमीटर लेके जाते हैं, जिससे वो क्या पता चलता है, उनको पता चलता रहता है कि अच्छा मैंने अब इतना ट्रैवल कर लिया, अब इतना ट्रैवल कर लिया, क्योंकि वहाँ पे तो कोई बोर्ड्स वगैरह नहीं ना लगे हुए, जैसे मोटरवे पे बोर्ड्स लगे होते हैं कि इस्लामाबाद आने में इतने किलोमीटर रह गए, अब पहाड़ों पे तो बोर्ड्स नहीं लगे हुए कि आपने इतने किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने साथ लेके जाते हैं प्रेशर ऑल्टीमीटर। उससे क्या होता है कि जब वो ऊपर जाते रहते हैं ना तो उन लोगों को उसके थ्रू पता चलता रहता है कि अच्छा मैंने अब इतने किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, अब इतने किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, और इसी तरह वो लोग लेके जाते हैं अपने साथ बैरोमीटर, ताकि उनको पता चल सके कि उन पे अब इस टाइम जो है ना इतना प्रेशर लग रहा है। ऐसा ना ना हो कि ऊपर पहाड़ चढ़ चढ़ते इतने ऊपर चले जाएं कि जहाँ पर उन पे कोई फोर्स ही ना लगे अर्थ की और वो हवाओं में उड़े हों। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट दी एटमोसफेरिक प्रेशर, जिसमें हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है, एटमोसफेरिक प्रेशर की डेफिनेशन कि क्या होता है, इट इज़ द वेट ऑफ एयर पर यूनिट एरिया, कि एयर के एक एरिया पे का वेट जो होता है ना उसको हम कहते हैं एटमोसफेरिक प्रेशर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बैरोमीटर से और इसका यूनिट होता है atm, एंड 1 atm इज इक्वल्स टू 101300 pascal। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब हम अर्थ से सी लेवल से हाइट्स की तरफ जाते हैं तो हमारा एटमोसफेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है, कितना डिक्रीज़ होता है, हर 5 किलोमीटर के फासले पे 55000 pascal जो है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, और ऊपर जाते जाते एक एयर पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये इस प्रेशर की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो और हम लोगों के पे किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती और वहाँ पे हम लोग फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, हवाओं में उड़े होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसमें, उसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा है
प्रेशर ऑल्टीमीटर के बारे में कि हाइट मेजर करने के लिए हम प्रेशर ऑल्टीमीटर यूज़ करते हैं, जो माउंटेनर्स और हाइकर्स वगैरह यूज़ करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.